हेलो एवरीवन, आज थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क देखेंगे पहले, अभी तक जो हम कर चुके हैं पिछले दो लेक्चर्स के अंदर। प्रैक्टिस वर्क में आज जो मेन टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड पैरामीट्रिक फंक्शंस। इम्प्लिसिट एंड पैरामीट्रिक फंक्शंस, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। x इज इक्वल टू y log x y, x इज इक्वल टू y log x y, देन आपको dy by dx को इवैल्यूएट करना है। ठीक, अब आप एक पॉइंट तो ये भी कर सकते हो यहाँ पर कि इसको log x plus log y लिख लो log की प्रॉपर्टी से, या एज इट इज डिफरेंशियल कर लो, तभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, x नॉर्मल हम सिंपल डिफरेंशिएशन के साथ चल रहे हैं, एज इट इज पूरा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके x का डिफरेंशियल 1, यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रोडक्ट रूल, दिस इज y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स वाई। ठीक, यहाँ पे हमारी चेन रूल लगेगी अब अगर आप देखोगे तो, प्लस पहले ये स्टेप पूरा कर देते हैं, log एक्स वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक, चेन रूल क्या था आपका कि आप ये कह रहे थे कि ये टर्म log x नहीं है, आप इसको x अज्यूम कर रहे हो, तो हम जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो इसका डिफरेंशियल दोबारा प्रोडक्ट होगा। log x का डिफरेंशियल क्या है हमारा 1/x, सिमिलरली log x y का क्या आ जाएगा 1/xy, लेकिन साथ में इसको ये डालना पड़ेगा आपको, दिस इज कॉल्ड चेन रूल ना, प्लस log x y, और इसको तो dy by dx करना है बस, ये 1 as it is चलता रहेगा आपका, y से y बैलेंस हो गया, 1/x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा, x dy by dx फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड dy dx ऑफ x, ठीक, प्लस log xy dy by dx, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला, 1 by x into x dy by dx plus y by x dy dx of x is 1, उसको छोड़ रहे हैं, dy by dx, x से x बैलेंस हो गया। नाउ dy by dx वाले टर्म साथ साथ, और इस टर्म को मैं इधर ला रही हूँ, 1 minus y by x, this is dy upon dx, 1 plus log xy, x माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये पूरी ब्रैकेट आएगी नीचे, ये दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आंसर है बस। ठीक, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्प्लिसिट का ही देख रहे हैं पहले एक और क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन के अंदर इम्प्लिसिट चेन रूल प्रोडक्ट रूल, इम्प्लिसिट के अंदर नॉर्मली प्रोडक्ट रूल तो आएगा ही, चेन रूल भी इस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज किया, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x plus 5 is equal to 5, dy by dx को evaluate करना है आपको 1-1 पर, x भी 1, y भी 1, ठीक, as it is differential करोगे, 3x square, ये differential कर रहे हैं हम, minus 2, यहाँ पे product rule आएगा आपका, x square, d by dx of y square, नाउ प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसको थोड़ा सा हम 1-1 पर चाहिए ये, प्लस 5 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख रहे हैं, एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशियल हो गया 0। अब आपको इसको डिफरेंशियल करना है, जहाँ जहाँ बचा हुआ है पहले उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y dy by dx,
प्लस इसका 2x हो जाएगा प्लस 5 प्लस dy बाई डी एक्स। अभी क्या है, जब हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना, जब हमें ये पॉइंट्स नहीं दिए होते, सपोज करो ये इतना होता, तो हमारे पास कंपल्शन था कि dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साथ रखना है, देन आप सारी चीज़ें dy बाई डी एक्स वाली लेफ्ट पे रखोगे, बाकी राइट पे ले जाओगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और इवैल्यूएट करोगे। यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, जब भी आपके पास वैल्यू है, बिफोर मैन्युपुलेटिंग, बिफोर सॉल्विंग, जहाँ आपने डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर दिया, वहीं पर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इट विल बिकम मोर इजियर, राइट। पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, जो उसने बोला है। यहाँ पे रख रहे हो 3 माइनस 2, दिस इज 1, ये भी 1, तो 2 हो गया बस, dy by dx प्लस, ये भी 2 हो गया, प्लस 5 प्लस dy by dx। अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 4dy by dx माइनस 4 प्लस 5 प्लस dy by dx, अब साथ में आएगा dy by dx, ये 5 और 3 8 में से 4 चला गया, 4 माइनस 3dy by dx, राइट पे ले जाओ, dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4/3। बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन पहले सॉल्व करने से पहले अगर आप x और y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, राइट। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन से। कुछ पैरामीट्रिक हमारे वो फंक्शंस थे जहां पर x और y दोनों ही, x इज इक्वल टू 2t प्लस 5 y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, dy बाई डी एक्स को इवेल्यूएट करना है आपको। चलो पहले क्या था हमारा, dx बाई डी टी देन dy बाई डी टी, रिकॉल करा दें एक बार, dx बाई डी टी निकाला था इक्वेशन नंबर 1, dy बाई डी टी इवेल्यूएट किया था इक्वेशन नंबर 2, देन 2/1 किया, तो वी विल गेट dy बाई डी एक्स, वही यहाँ करने वाले, dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन के रूल्स वही रहेंगे, 2x का डिफरेंशियल भी 2, सिमिलरली 2t का 2, 5 कांस्टेंट है 0, अब इसको डिफरेंशिएट करो dy by dt, t स्क्वायर का 2t और 2 का 0, नाउ 2/1, dy by dt अपॉन dx अपॉन dt, तो ये t यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाता है, दिस इज 2t अपॉन 2, ये dy by dx is equal to t, ये आपका आंसर है। कोई पॉइंट पूछ रहे हैं तो उस पर डाल सकते हैं। x is equal to ct, y is equal to c upon t, then dy by dx, ये evaluate करना है, dx upon dt कर रहे हो, is equal to c constant है और t का differential आपका 1 हो गया, y dy dt कर रहे हो, c 1 अपॉन t का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, कैसे आया है वो भी देख लेते हैं। देखो आप बोल रहे हो x को कर रहे थे, अगर dy dx सॉरी 1 बाई x को मान लो हम कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसको x की पार माइनस 1 लिख देंगे ऊपर ले जाकर, फिर से वही रूल आएगा, पार आगे ऊपर से एक पार लेस, दिस इज माइनस x की पार माइनस 2, जिसको आप माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हो, 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सिमिलरली 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी इज सी इक्वेशन 1, डी वाई बाई डी टी इज माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, कर दो 2 अपॉन 1, वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक, ये c इस c से बैलेंस हो गया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये किसी पॉइंट पे तो शायद नहीं पूछा है, नहीं यही आपका क्वेश्चन है, बस इतना ही, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, एक पैरामीट्रिक से नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मिक्स फॉर्म में डाला है इस क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू e की पार a log x प्लस e की पार
एक्स लॉग ए, देन यू हैव टू इवेल्युएट डी वाई बाई डी एक्स. ठीक, आप क्या कर रहे हो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख करो. देखो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, कि जो नंबर आगे है हमारे पास वो पार में होता है. ये पहले भी यूज कर चुके हैं हम, ये हो गया प्लस, सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, e की पार x. अब एक प्रॉपर्टी पहले भी बता चुके थे कि e की पार log n अगर है तो e और log बैलेंस होके इट विल गिव यू n ओनली. n मीन्स जो x की पार a है हमारा, ये किया था ना हमने प्रॉपर्टी, e की पार log x था तो इसको हम x लिखते हैं प्लस, ऐसे ही ये a की पार x हो जाएगा. नाउ डिफरेंशिएट, इट विल गिव यू dy by dx इज इक्वल टू x की पार n का फॉर्म है, a आगे ऊपर से एक पार लेस हो गया प्लस, दिस इज a की पार x और a की पार x का डिफरेंशियल a की पार x log a, ये आपका आंसर है. ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे बस. फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व the curve y is equal to under root 4 minus x square where ordinate and abscissa are equal. ठीक, ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या हुए आपके, y और x, मतलब वो क्या कह रहा है आपको, डिफरेंशियल कोफिशियंट जो बताना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy by dx, उसको कहाँ पे इवैल्यूएट करना है, उस पॉइंट पे जहाँ पे y और x इक्वल है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y. पहला पॉइंट वही है कि इसको डिफरेंशिएट करके लेके आते हैं. चलो, आपने कहा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर. ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ये 1 बाई टू पार आगे, डिफरेंशियल करो पहले 1 बाई टू, ऊपर से एक पार लेस, देन अब ये x नहीं था, यहाँ पे चेन रूल यूज होगा, आपने इसको x अज्यूम किया तो इसका डिफरेंशियल आप दोबारा डालेंगे यहाँ पर d by dx ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 by 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ एंड दिस इज माइनस 2x, 4 का 0 x स्क्वायर का माइनस 2, ये इससे बैलेंस हो गया. दिस इज माइनस x अपॉन, ये टर्म को मैं नीचे ले जा रही हूँ. ठीक, इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी याद कर सकते थे, वो भी बता रही हूँ, वो भी ये आ गया. नाउ dy by dx क्या मिल गया हमें, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये जो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है वो किसकी वैल्यू है, y की, उसको मैं y डाल देती हूँ, x अपॉन y. नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, तो x इज इक्वल टू अगर y है तो मैं x की प्लेस पे y या y के प्लेस पे x सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, तो इसको y अपॉन y कर दिया. व्हाट इज माय आंसर, दिस इज 1, ये आपका आंसर हो गया. अब एक पॉइंट ये कि यहाँ पे हमने ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया, यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि अंडर रूट x का जो डिफरेंशियल है वो डायरेक्टली 1 बाई टू रूट x आप यूज कर सकते हो. सिमिलरली जब आप इसको डिफरेंशिएट करते तो हम क्या कर लेते, 1 अपॉन टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्टली यूज हो जाता है, ये सारी वर्किंग बच जाती है आपकी. ठीक है, चलिए ये आपका प्रैक्टिस वर्क, इसके अंदर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट चेन रूल प्रोडक्ट रूल भी काफ़ी यूज हो गया. नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बच्चों के लिए भी और CA वाले बच्चों के लिए भी. तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स पूछिए, टेक केयर, बाय बाय. लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बटन बेल आइकन. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.